अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। चलिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अपने पूरा जो भी है, मतलब जैसे डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बीमार थी और बहुत दिनों से बीमार थी। 1 महीने तक लगभग मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल के चक्कर काटते रही और मैं ब्लॉग भी सही से नहीं बना पाई, और इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र से, आप लोगों को दुआ से अभी मैं ठीक हूँ। और चलिए मैं अपना रिपोर्ट दिखाना आपको शुरू करती हूँ गैस। मैं 1 महीने में कितना मेरा रिपोर्ट निकला है, और आप लोगों को दुआओं से अभी मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से है। जो भी है, बस आप लोग मेरे लिए ऐसे दुआ करते रहिए कि मैं ठीक रहूँ, और फिर दिखाती हूँ अपना जो भी है आज का रिपोर्ट। पेश है आप के खिदमत में हमारा रिपोर्ट। जैसे भी आपको पता है गाइस कि इंतज़ार है आपको हमारी रिपोर्ट का कि मुझे हुआ क्या और मैं कितना सारा रिपोर्ट निकाली हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अभी मैं निकालती हूँ सबसे फर्स्ट रिपोर्ट सीटी स्कैन का। ये देखिए, ये रहा सीटी स्कैन रिपोर्ट। और जैसे भी आपको पता है कि मैं बहुत बीमार थी, अभी ये सीटी स्कैन है। ये रिपोर्ट है मेरा चेस्ट का, ये देखिए। मैं दूर से दिखा रही हूँ कि आपको साफ दिखेगा। और फिलहाल ये रहा आई हॉस्पिटल, राज हॉस्पिटल डॉक्टर का, जो कि मैं आई हॉस्पिटल जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अल्लाह का शुक्र से, आप लोगों को दुआ से अभी मैं बहुत ठीक, एकदम अच्छी हूँ। और ये देखिए कितना सारा रिपोर्ट इसमें निकला है, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक रिपोर्ट। ये देखिए ये मेरे राइट आँख में इन्फेक्शन हुआ था। ये सब रिपोर्ट है, इस तरीके से कुछ हुआ था। देखिए ये जो है, ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से व्हाट ऐसा हो गया था। ये ऐसी इतनी लंबी सूजन आई थी मेरी आँख में, और अभी फिलहाल मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हो चुका है ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं अभी और भी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, टोटल रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ ये टेस्ट हुए थे ऐसे, पता नहीं कैमरा में साफ आ रहा है कि नहीं, मुझे तो थोड़ा धुंधला ही दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक रिपोर्ट। ये देखिए, ऐसे फिलहाल अभी तो मैं ऐसे पढ़ के नहीं बता सकती ज़्यादा। और ये रहा रिपोर्ट, ही रिपोर्ट है गाइस। देखिए सब रिपोर्ट ही है। और इधर रहा टेस्ट का जो डॉक्टर ने दिया था मुझे, पहले दिन का 8 या 9 टेस्ट था, ब्लड टेस्ट और कुछ टीका था। उसके बाद से ये हो गया, एक ये रिपोर्ट है, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना पेज है, सब में कुछ ना कुछ तो निकला है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र से बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि नॉर्मल है। टेस्ट तो 100 से ऊपर हो चुका है, मुंबई में खाली टेस्ट ही कराते हैं गाइस। अगर गरीब लोग रहे तो नहीं हो सकता इलाज सही तरीके से। पैसा लगा बट मैं ठीक हूँ अभी। ये देखिए ये सब रिपोर्ट ही है, हर एक पेज पर रिपोर्ट का ही। मार्क में देखिए ये सब रिपोर्ट है गाइस,
देखते रहिए आप सामने कितना रिपोर्ट मेरा निकला है। बट इस वक्त में जब ही गई तो अभी ये देखिए, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, अभी मेरा ऐसा आ चुका है आँख का, ऐसा सेफ में आया है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा सूजन है, नहीं तो पहले ऐसा था। आप देखिए ध्यान से, इतनी लंबी सूजन थी जिसकी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया था। सच में मानना है गाइस कि पैसा बहुत बड़ा चीज़ है, अगर आप पैसा है तो आप जी सकते हो। ऐसे तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसका उम्र जैसा लिखे, लेकिन जितना दिन का हयात जिसका रहता है, लेकिन इंसान हयात रखते हुए भी अंधा हो जाता है अगर इस तरह से प्रॉब्लम हुआ तो। अगर नहीं मेरा इलाज टाइम पे हुआ रहता सही तरीके से, तो हो सकता मुझे नज़र ही ख़त्म हो जाता है। पर अल्लाह आप लोग की दुआ है कि मैं अभी ठीक हूँ। ये देखिए एक फाइल ये हो गया डॉक्टर का, और ये फाइल है, ये देखिए शायद आप लोग को उल्टा दिख रहा है, डायबिटीज का ये है डॉक्टर का, देखिए इसमें भी इतना टेस्ट है और मैं क्या बताऊं। ये देखिए ब्लड शुगर, फास्टिंग, ये आज का है रिपोर्ट, इसमें भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं जो आई का दवा खा रही हूँ उससे डॉक्टर ने बोला है कि शुगर बढ़ के आएगा। इससे घबराना नहीं है, बस परहेज करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। कितना कोई मेंटेन रखेगा गाइस आप लोग खुद बता दो। ये देखो रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट ही है जो कि मेरे हस्बैंड इसमें सब लगा दिए हैं फाइल में, ये सब रिपोर्ट है। आप लोग देख कर रिपोर्ट बता सकते हो कितना सारा मेरा रिपोर्ट निकला हुआ है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम है अभी, जो कि एकदम जो एकदम ज़्यादा है वो है शुगर। अभी मैं क्या बताऊँ, इतना सारा तो देख के सर दर्द होता है मेरा पूरा, दोनों हाथ मेरा छे छे के एकदम ब्लड निकाल के कल के दिमाग खराब कर दिए थे। अभी इसका कोई इलाज नहीं है, ये सब पैसा है, आज इसी को जैसे मैं बची हूँ और मैं देख भी सकती हूँ, आप लोग से बात भी कर रही हूँ सामने आके। तो फिलहाल आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और इतना ज़रूर समझिए कि पैसा है तो भी इंसान जिंदा है, नहीं है तो इंसान का हयात रहते हुए मर सकता है। फिलहाल आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को देखिए, और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम अभी निकली है, डायबिटीज़ हो गया, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सीने में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आई का प्रॉब्लम है, अभी चार पांच ऐसी बीमारी है कि जो मेरे अंदर है, वाइट ब्लड कम है, उसके बाद से कुछ कुछ ऐसा है कि जो ब्लड कम है, ये सब मेरे शरीर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है अभी, जो कि आप लोग को दुआ करनी है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और फिर मैं आप लोग के सामने आऊं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊं। और मैं कोशिश करूंगी अभी थोड़ा और ठीक हो जाऊं, अच्छी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तो मैं डेली के डेली आप वीडियो में अपने ब्लॉग का लेके आऊंगी। बस ये रहा आज का मेरा वीडियो, आप लोग बस मुझे सपोर्ट करना है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए ताकि मैं भी कुछ अपने लिए कर सकूं और आगे बढ़ूं। अब बस मेरे लिए आप लोगों को दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को भी सही सलामत रखे, ऐसे मुश्किल में किसी को न रखे। बट या कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको बीमारी देता है, मैं इससे ये नहीं हूँ मुतमईन हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह का मेहरबानी है, करम है हम पे, जो कि आग के भी बीमारी मेरे पास से थोड़ा, मतलब जिस तरीके से मुझे तकलीफ़ थी, फेस सूज गया था, सर में दर्द रहता था, आँख में दर्द से परेशान रहती थी, वो चीज़ अभी नहीं है, फिलहाल दवा चल रहा है और बहुत जल्द से जल्द वो भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपना शुगर को भी, जो भी है
कोलेस्ट्रॉल शुगर तो ये तो लाजमी है, तो इसमें अपना कंट्रोल करने के ऊपर है। और बाकी सब चीज़ें हैं कि जो ख़त्म हो सकती है, और आँख का प्रॉब्लम दवा चलेगी, जैसे जैसे लंबी दवा चलेगी पर ठीक हो जाएगी। आप लोग बस हमारे लिए दुआ कीजिए, और मैं भी अल्लाह तआला से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सही सलामत रहिए। और ये रही आज की मेरी रिपोर्ट जो कि मैं आप लोग के सामने शेयर की, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जो भी है आपके चाहने वाले दोस्तों यारों में, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, मेरे चैनल पे आइए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और फिर मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुश रखिए सबको, और सबको दुआओं में याद रखिए। कीजिए अभी मैं अपने बहन को इजाज़त, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।